अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो वे मालिक। बोल चूचे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। क्या? जो बोलना है बोलना है, यहाँ सब अपने ही है। बोल। नहीं मालिक, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। चल। बोल शु। अच्छा मालिक, पहले आप वचन दीजिए क्या पूरा नहीं मानेंगे। मन में जो बात है वो सीधा सीधा न स्पष्ट करके बोल। मालिक, मैं चाहती हूँ कि हितेंद्र और केमी पेना का लग्न हो जाए। तुझे भान है कि तू क्या बोल रही है? मालिक, मैं बस इतना कह रही हूँ कि दो प्यार करने वालों को अलग करने का पाप मैं नहीं करना चाहती। मैं आपके साथ लगन करके उस घर में जरूर आई हूँ, पर हमारे बीच कभी पति पत्नी का संबंध बना ही नहीं। हमारे बीच केवल मालिक और नौकर की दोहित्ते का रिश्ता रहा है, पर कुछ रिश्ते उस घर में जुड़ गए हैं और उनमें से एक रिश्ता माँ का है। मैं बिरवा, सूरज और कद्दू की माँ बनी हूँ, पर हितेन भाई की माँ बनने का मौका मुझे कभी नहीं मिला और आज वो कर्तव्य निभाने का मौका मिला है मुझे। हितेन भाई ने कभी मुझे अपनी माँ नहीं माना और मैं उन्हें अपना बेटा मानती हूँ। मालिक, आप ही बताइए, उस घर में एक माँ कैसे खुश रह सकती है जहाँ उसका बेटा खुश ना हो। मैं आपके साथ वहाँ चली भी जाती हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं रह सकती। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि छुट्टा छेड़ा स्वीकार कर लीजिए। गुस्सा मत होइए मालिक, तीन बार खेमी बहना का लगन हो सकता है। उन दोनों की पत्रिका भी मिलती है। केमी बहना मांगलिक है और हितेन भाई को शनि भारी है। बस एक ही बात है, आपका और मेरा रिश्ता जो पति पत्नी का होते हुए भी पति पत्नी का नहीं है, उसके कारण एक ऐसे रिश्ते को होने से रोकना जहाँ एक लोग एक दूसरे से प्यार करते हो वो गलत है ना मालिक। मालिक, चल मोटी बहन। क्या हुआ संतू? अभी अभी तो मालिक ने छुट्टा छेड़ा के कागज फाड़े थे और ऐसा तूने क्या कह दिया कि वो इतने गुस्से में वापस चले गए? मालिक को घर जाने से मना कर दिया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि किमी मेरा रितेन भाई का लगन हो जाए, इसलिए मैंने मालिक से कह दिया कि वो मेरा छुट्टा चेहरा स्वीकार कर ले। ये क्या किया संतू तूने? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी दोनों दोहित्रियों ने एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुम दोनों की मती मारी गई है क्या? नानका, बताना क्या हुआ, बात क्या है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? नानका,
नानका, नानका दरवाजा खोल, क्या बात है बताना। नानका दरवाजा खोल, बात क्या है बताना। अंदर आओ। क्या बात है नानका, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बता ना, तुझे इस हालत में मैं नहीं देख सकती। मारी बात सांभर, वकील को बोल के फरी थी वो कागड़िया फटाफट बना रहे। मुझे उस छोकरी से छुट्टा छेड़ा चाहिए। क्या ये तू क्या कह रहा है? बोला ना मोटी, फटाफट कागड़िया बनवा। अरे लेकिन सुन तो, इस विषय में और बात नहीं करना चाहता मैं। ये तो कमाल ही हो गया। मतलब भगवान जी कभी कभी मेरी भी सुनते हैं। नानका जब संतू के यहाँ गया था तो मुझे लगा छुट्टा छेड़ा अब हो ही नहीं सकता, लेकिन नहीं, नानका की इस बात ने पासा पलट के रख दिया। अब मैं समय नहीं गवाऊंगी। इसके पहले कि नानका अपना निर्णय बदल दे, ये छुट्टा छेड़ा का काम मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगी। ए छोरे। जी काका। ये खाना क्यों नहीं खाया अब तक तुमने? चलो आ जाओ, छोड़ दो ने, आ जाओ आ जाओ। अरे किसान मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अन्न उगाने के लिए। मेहनत करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है? शक्ति। और शक्ति कहां से मिलेगी उनको? जब खाना खाएंगे, जो तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। चलो तो खेमी है वहाँ धर्मपुर में, लोग इसे ढूंढने निकले हैं और ये यहाँ। मुझे माधो काका को खबर देनी होगी। अच्छा बेटा एक बात तो बता, किस गांव से? मैं धर्मपुर से हूँ काका। धर्मराज मैयावंशी के गांव से? वो मेरी बनी भी लाले। क्या कहा तुमने? तुम रिश्ते में धर्मराज मैयावंशी की साली लगती हो? मतलब तुम उस संतु की बहन हो? हाँ, पर आप कैसे जानते? चलो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। पहले आपको कभी देखा नहीं मैंने। वो इसलिए क्योंकि जेल में था। क्या जेल में? एक विश्वासघातनी औरत की वजह से। बहुत चाहता था मैं उसे, बहुत चाहता था। मैं छोटी जाति का था और ऊंचे घर से थी। एक बार उसे बचाया था मैंने। इसी दौरान हमारे बीच प्यार हो गया, पर हमारी जाति और हैसियत के बीच में इतना अंतर था कि हमारे बीच में कोई रिश्ता असंभव ही था। तुम लोगों ने फिर वो किया, वो क्या बोलते हैं उसे, गंधर्व विवाह। मंदिर में जाके शादी की भगवान को साक्षी मानकर। बस फिर पता चला कि मेरे संतान की मां बनने वाली है। फिर क्या हुआ काका? फिर एक दिन उसकी जाति हमारे प्यार से बड़ी साबित हो रही।
एक दिन मुझे फंसा कर अपने बाप से गिरफ्तार करवा लिया मुझे। उसका बाप यानी कि मेरा ससुर जमखमाड़े का बहुत बड़ा सूबेदार था, वो पकड़ लिया और फिर 14 साल की जेल। जेल? क्या? हाँ देखो, उस लड़की ने अपने भाई और बाप को ये भी नहीं बताया कि हमारी शादी हो चुकी थी, ये भी नहीं बताया कि उसके पेट में मेरा ही बच्चा पल रहा था। और आपकी संतान? वो तो छीन ली उससे मैंने, एक बार जेल से भागा था मैं, उसे छीन के ले गया। पर आपकी संतान, आपके घर में तो आपके अलावा और कोई नहीं दिखा, तो कहाँ है वो? उसी की तो तलाश है कि मेरी संतान कहाँ है, और ये रात तुम्हारे माँ बाप के साथ ही चला गया। क्या मेरे माँ बाप को ये सब कुछ जानते थे? जेल से भागने के बाद मैंने अपने संतान को शगन और रेवा के यहाँ छोड़ा था, बस वही जानते हैं कि मेरी आखिरी निशानी कहाँ है। और इससे पहले कि मैं अपनी संतान ले पाता, वो सूबेदार ने मुझे पकड़ लिया, उसके बाद फिर सीधा जेल, 14 साल। जेल से छूटते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे नाना जी से जाके मिला मैं, लेकिन उनको भी कोई खबर नहीं थी। वही मेरी तुम्हारी बहन मुझे संतु, 14 सालों में बहुत खो दिया मैंने, बहुत कुछ, अपनी जवानी, अपना प्यार, तो सबसे गहरा दोस्त, अपनी संतान। और वो लड़की जिससे आपने शादी की? वो लड़की तुम्हारी बहन के घर पे है। क्या? मेरी बहन के घर पे? और उसका नाम तरुलता मैयावंशी है। ये चंपा कली, चंपा कली, तू यहां क्यों आई? अरे एक ऐसा सवाल है, अपनी पत्नी से पूछ रहा है कि तेरे घर में वो क्या कर रही है? नहीं इतने अचानक इसको यहां देखा ना, इसलिए पूछा। तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे कि वो कभी अपने घर में वापस आने वाली नहीं है। तुझे सब पता है, उसके हाथ की चाय पी के तू चौंक गया है ना, इसीलिए तो मैं उसे ले आई, देख रही थी इसके बिना तेरा मन नहीं लगता, और इसके अलावा किसी के हाथ की चाय तुझे पसंद नहीं है, और अष्टमी भी आने वाली है, और घर की बहू घर की रस्म निभाती है, ये तू कैसे भूल गया? वो नहीं आती तो काम कौन संभालता? उसमें तो अकल नहीं है, पर तू कैसे भूल गया? और तू तो उसे लेने गया था ना, बहू है घर की, और सारी तैयारी इसके हाथ से तो होनी चाहिए।
ठीक है, मैके तो सब जाते हैं, पर लड़की का घर तो ससुराली होता है ना। और एक खास बात है जिसके लिए इसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है, अभी नहीं बताऊंगी, बाद में। चल संतू, चल मेरे साथ। अरे अष्टमी के कितने काम समझाने हैं, चल चल चल। ए छोकरी, कल जो बात तूने बोली थी ना, मुझे मंजूर है। संतू बेटा, सब ठीक है ना? हाँ बा। तू फिर तेरी आंख में आंसू क्यों? कुछ नहीं बा, ऐसी मालिक की दयालुता देखकर आंखों में आंसू आ गए। मैंने मालिक से कुछ मांगा था और उन्होंने मुझे दे दिया। ऐसा ही है वो, गुस्से में तेज, पर हीरा है मेरा बेटा, हीरा। ए, क्या कर रही है? बेन बाबू पटारे से गेहूं निकाल रही हूँ। हाँ, अंधी नहीं हूँ मैं, दिखाई दे रहा है मुझे, इसीलिए पूछ रही हूँ ये क्या कर रही है। हाँ, सुबह करना ये, चल छोड़ी से। वो बा के पैरों में दर्द है, वो तेल लगा। ए, ये पतेरा कौन बंद करेगा तेरा बाप? बेन बा, एक बात कहनी थी आपसे। क्या? वो मेरी दादी। दादी? तेरी दादी भी है? वो धर्मपुर में बहुत बड़ा जन्माष्टमी का उत्सव होता है ना, तो मैंने सोचा दो चार दिन के लिए यहाँ पर। तुझे क्या लगता है, ये जो घर है हमारा, ये धर्मपुर की धर्मशाला है, या फिर तुम जैसे छोटे लोगों के लिए अनाथालय खोल के रखा है मेरे नानका ने? हाँ, क्या लगता क्या है तुझे? केवल दादी आएगी, दो तीन दिन में चली जाएगी वो। मैंने कहा मेरी बेन बा बहुत उदार दिल वाली है, रख लेगी। हाँ, अभी ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरी दादी को स्टोर रूम में रहना होगा, समझी ने? जा अभी, बा के पैरों में दर्द है ना, तेल लगा। अरे वाह, बहुत अच्छी माला बनाई बेटा। ये देख, ये बाल कृष्ण के अंगरखा बना है, और तू मुझे मदद करेगी ना इसमें? क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ ना, ये सॉय में धागा परो नहीं सकती हूँ। तू काम करेगी ये? जी। हेलो, जय खोड़ियार माँ संतू, मैं लक्ष्मी मासी बोलू छू। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। संतू, मेरा तेरा फोन है, कोई लक्ष्मी मासी है? हाँ बा, हमारे पास के गांव में रहते हैं। अच्छा, ले। जय श्री कृष्ण लक्ष्मी मासी। जय खोड़ियार माँ संतू। कहिए। करसान की दुकान का नंबर ही नहीं मिल रहा, इसलिए तुझे फोन कर रही हूँ। मैं जाम खम्बालिया में खीमी को देखा है खेतों में काम करते हुए। क्या आप सच कह रही है? हाँ हाँ, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, पर शायद वो खेमी है, तुम चाहो तो आकर देख सकती हो। जी मासी, मैं अपने यहाँ से निकलती हूँ। बा, खेमी मैना की खबर मिली है, मैना चाम कंपाड़िया में, मैं जाऊँ? हाँ हाँ, जा बेटा, पर देख जन्माष्टमी के उत्सव के पहले आ जाना बेटा। जी बा, मैं आ जाऊंगी, बस भगवान से प्रार्थना करना कि मैना मुझे मिल जाए। हाँ हाँ बेटा, जरूर। हे खोड़ियार माँ, एक बार खेमी मैना मिल जाए तो इतिन भाई और बेना का लगन करवा कर मैं इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊँ। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।